ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मार्लेस लाबुसा ने भारतीय पारी के दौरान दोनों सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा को अपनी बातों में उलझाते हुए नजर आए। रोहित और शुभमन ने लाबुसा की मजेदार स्लेजिंग को अपने ऊपर जरा सा भी हावी नहीं होने दिया। वहीं शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते हुए लाबुसा ने पहले गिल को और फिर रोहित को अपनी बातों में असहज करने की कोशिश करते दिखे। गिल ने उन्हें जवाब भी दिया जबकि रोहित ने उनके सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मार्लेस इस दौरान काफी कुछ बोलते दिखे जो स्टंप माइक में कैच हो गया। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वीडियो शेयर किया जिसमें लाबुसा ने गिल से पूछा, तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जवाब में गिल ने कहा, मैं बाद में बताता हूँ। इस पर लाबुसा ने कहा, बॉल के बाद सचिन तेंदुलकर या फिर तुम विराट कोहली को मानते हो? गिल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जब गिल पर लाबुसा की बातों का असर नहीं हुआ तो उन्होंने रोहित को अपने सवालों से परेशान किया। लाबुसा ने रोहित से पूछा, तुमने क्वारंटाइन में क्या कुछ किया? रोहित ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वही मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रनों पर सिमटी। स्टीव स्मिथ ने 131 रन और मार्लेस लाबुसा ने 51 रनों की जबरदस्त पारियां खेली। इन दोनों के अलावा विल पुकोवस्की ने 62 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट झटके। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर भारत को अच्छी शुरुआत भी दी। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।